खंडवा जिले के संत सिंगाजी धाम पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने अकाउंट पर राम राम लिखने पर सफाई दी, तो वहीं संकल्प पत्र में लिखी बातों को साकार करने की बात भी कही। खंडवा के सिंगाजी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, भाजपा ने संकल्प में जो बातें कही है वो एक एक चीज पूरी करके देंगे। भाजपा सरकार हर वादा पूरा करेगी। आज लाडली बहनों के बैंक अकाउंट में 7वीं किस्त जारी हुई। सरकार ने 1,31,00,000 महिलाओं के अकाउंट में 188 पेमेंट ऑर्डर बैंक को सेक्शन किए। मुख्यमंत्री ने महिलाओं से पूछा, पैसे आ गए ना? उन्होंने कहा, चिंता मत करना, विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इसके पहले मुख्यमंत्री ने संत सिंगाजी समाधि स्थल पहुंचकर दर्शन पूजन और हवन कुंड में आहुति दी, साथ ही नर्मदा माँ की आरती की। सतगुरु सिंगाजी महाराज की जय। बोल नर्मदा मैया की जय। सिंगाजी महाराज की जय। सम्मेलन के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखी राम राम पोस्ट पर कहा, हम घर आने जाने पर राम राम कहते हैं, बीमार होने पर कहते हैं, राम हमारे रोम रोम में और हर सांस में बसे हैं, इसीलिए मुंह से राम राम निकलता है। राम, अगर हम घर में आते हैं तो राम राम कहते हैं, बीमार हो जाते हैं तो राम राम कहते हैं, राम हमारे रोम में रमे हैं, रोम रोम में रमे, राम हमारी हर सांस में बसे हैं, इसलिए मुंह से राम राम। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। संत सिंगाजी महाराज के दर्शन, समाधि के दर्शन करने जरूर आए। आज मुझे सौभाग्य मिला, संत सिंगाजी महाराज ने कृपा की, आज हम लोग उनके चरणों में प्रणाम करने आए, नर्मदा मैया के चरणों में प्रणाम किया और यही प्रार्थना की कि मध्य प्रदेश की जनता, हमारी बहनें, हमारे भाई, बेटा बेटी सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला है, इसलिए उनके चरणों में सर आपके राम राम के। मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे। लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना के बाद अब लखपति बहना का संकल्प है। उन्होंने कहा कि मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि जान भले ही चली जाए, आपका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। आप 2700 रुपए आप क्विंटल गेहूं, मजे जाएगा, इसलिए तो बना रहे हैं भाजपा की सरकार। एक एक चीज जो संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कही है वो एक एक चीज पूरी करके देंगे। और नौजवान बेटा बेटियों, संकल्प पत्र में हमने कहा है प्रत्येक परिवार एक रोजगार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, ऐसे सारी चीजें पूरी करने का काम करेंगे। और इसे लखपति बहना का मतलब है, मेरी हर बहन गरीब हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो, किसी जाति समाज की हो, वो बहन की आमदनी, खुद की आमदनी कम से कम 1,00,000 रुपया साल होनी चाहिए। लखपति बहना मतलब 10,000 रुपया महीना कम से कम आमदनी होनी चाहिए। और वो हम करेंगे स्व सहायता समूहों के माध्यम से, स्व सहायता समूहों का जाल बिछा के, जो बहनें अभी शामिल नहीं है उनको और शामिल करके इतने तरह के काम प्रारंभ करेंगे कि हर बहन की हर महीने की कमाई आमदनी 10,000 रुपया महीना हो जाएगी और मेरी बहनें गरीबी से ऊपर उठ जाएंगी, सुखी जीवन जिएंगी, सुखी जीवन जिएंगी, उनके बेटा बेटी।